तेरा सपना प्यारा प्यारा आगे कदम बढ़े बन सबका सहारा अमीर होता ये भारत ये है हमारा नारा सपनों को मंजिल तभी मिलती है जब आप लगातार मेहनत करते रहते हैं और कामयाबी के बीच आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए आप जमकर प्रयास करते हैं। नमस्कार, अमीर होता भारत के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत। हौसले और पक्के इरादे लिए कुछ ऐसे संघर्षशील लोगों की कहानियां जो न सिर्फ अपनी खुद की जिंदगी में बल्कि समाज में भी एक बड़ा बदलाव लेकर आए। आज के हमारे मेहमान हैं डिवी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर श्री दीपांशु गुप्ता। डिवी एडुकेशन देश के सबसे भरोसेमंद करियर काउंसलर्स में से एक है। डिवी की पैन इंडिया ब्रांचेस हैं, जो कि स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। श्री दीपांशु गुप्ता, नमस्कार। तो दीपांशु जी, आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, बच्चे हमारे देश का फ्यूचर होते हैं, आप देश के फ्यूचर के लिए उनकी गाइडेंस के लिए एक कंसल्टेंसी प्रॉपर लेकर आए हैं और एब्सोल्युटली फ्री वहां पर सलाह दी जाती है, बच्चों को गाइड किया जाता है। आपने कब सोचा कि इस कंसल्टेंसी की शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपकी वजह से मेरे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। बट एक्चुअली हमने स्टार्ट किया 2013 में, 2013 स्टार्ट हुआ था, 2007 में जब मैं और मेरे पार्टनर मिले थे, हम बीटेक कर रहे थे तो हमें काफी सारी प्रॉब्लम फेस हुई ड्यूरिंग बीटेक। उसके बाद हमने एमबीए किया तो सेम प्रॉब्लम हमने तब फेस की, तो हमने सोचा क्यों ना हम बच्चों को कुछ गाइड करें उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग, उन चीजों के रिगार्डिंग जो हमने फेस की है, ताकि आगे की जनरेशन वो फेस ना करे। उस चीज को लेते हुए हमने 2013 में एक डीवी ग्रुप के नाम से कंपनी स्टार्ट की, जिसका काम था काउंसलिंग देना बच्चों को कि उनके करियर के लिए क्या सही है। आज के यूथ को, जनरेशन को नहीं पता, 90% कंफ्यूज है। वो मोस्टली कोर्सेज में क्या हो जाती है, या तो फैमिली इन्फ्लुएंस या फ्रेंड इन्फ्लुएंस या पीयर प्रेशर, इन तीन वजह से जाती है। बट एक्चुअल में वो क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, वो उसको नहीं पता होता। तो इस फील्ड को हम लेके आए कि हाँ, हम आपको गाइड करते हैं, एक्चुअल में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह के इंसान हो, आपको किस फील्ड में ज्यादा स्कोप है, किस चीज में ज्यादा आप जा सकते हो, और हम गाइड करके आपको बताते हैं, आप उसमें जाओ तो आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगी, ज्यादा सक्सेस मिलेगी। लाइक एक पर्सन है जिसको रीडिंग पसंद है, आप उसको काम दे दो मार्केटिंग वाला, जगह जगह लोगों से मिलना है, जगह जगह लोगों से बात करनी है, तो कैसे वो करेगा? एक बंदा जिसको मार्केटिंग पसंद है, जिसको किताबों से प्यार ही नहीं है, उसको लोगों से बात करना अच्छा है, घूमना पसंद है, देश वगैरह घूमना पसंद है, वो आपका मार्केटिंग का काम ज्यादा अच्छा कर सकता है। आप उसको काम दे दो किताबों वाला, कंप्यूटर वाला, वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना कुछ टाइम में। तो ये चीज स्टार्टिंग में नहीं पता होती। पेरेंट्स क्या कहते हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करो बेटा, बीटेक में फ्यूचर है, आपने मेडिकल ली है तो आप डॉक्टर बन जाओ, नॉन मेडिकल ली है तो इंजीनियर बन जाओ, इसके अलावा तो कोई कुछ बात ही नहीं करता। कोई हमारे आईएएस आईपीएस की कौन बात करता है, सिविल सर्विसेज की कौन बात करता है? हार्डली जब बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए सोचते हैं, क्यों? वो तो हम ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हैं, तो हमने 3 साल क्यों वेस्ट किए? ये चीज लेके आए हम डीवी के माध्यम से कि ये चीज हम गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड करें। तो ये 2013 में स्टार्ट हुई थी और आज चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, डीवी के बारे में मैं जानना चाहूंगी। देखिए, नाम से बड़ा अट्रैक्ट करता है, व्हाट इज डीवी एक्चुअली, और उसके बारे में कुछ और बताइए ना हमें। डीवी इज बेसिकली डी आई फॉर दीपांशु, वी आई फॉर विवेक शर्मा, क्योंकि हमें बीटेक एमबीए करते हुए बहुत सारी नॉलेज हो गई, काफी सारे हम एक्सपर्ट से मिले। आज की डेट में डीवी के साथ आईआईटीएंस आईएम्स जो बड़े बड़े आपके कैरियर काउंसलर्स हैं, सब जुड़े हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आके स्टूडेंट को काउंसलिंग देते हैं। माँ बाप ने कह दिया कामयाब होना है, सबको लगता है कामयाब होना है, बट कैसे होना है? आज का डेट में सिनेरियो इतना बिजी है, पेरेंट्स जो है सुबह से 9 से लेकर 6 शाम को जॉब कर रहे हैं, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में वो नहीं है, तो उन्हें नहीं पता मार्केट में ट्रेंड क्या है। अब मार्केट में जैसे वोकेशनल कोर्सेज आ रहे हैं आपके, आपकी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आप उसमें करो, ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, इंटीरियर डिजाइनर बन जाओ, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, अब इंटरेस्ट जिसमें उसमें जाओ। अब जैसे आप ग्रेजुएशन हो गए, अब आप कोचिंग सेंटर पे जाते हो, आपका पेरेंट्स के बाद कौन बसता है, टीचर या कोचिंग सेंटर? टीचर क्या कहता है, आप ट्यूशन लेते रहो, जिसमें कोर्स में उसकी ज्यादा फीस है वो कहेगा यही कोर्स करो क्योंकि उसको फीस मिल रही है। कोचिंग सेंटर क्या कहेगा आपको कि बेटा ऐसा करो, आप टॉप के बच्चे हो। अब 2.5 लाख बच्चा कैट देता है, एमबीए करता है आपका,
अब ढाई में से मुश्किल से 15,000 से 20,000 होता है तो टॉप रेटेड कॉलेजेस में जाता है, 2,30,000 को भी करनी तो आई पीछे ही रह जाता तो है, हाँ। पीछे रह जाता है। अब ये तो नहीं है कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी, एक बच्चा जो बचपन से पढ़ता आ रहा है 12-12 घंटे उसने आईआईएम क्रैक कर लिया, बट एक स्टूडेंट जो मुश्किल से 2 घंटे पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा एक साल की तैयारी करके वो उसके बराबर में आ जाएगा, तो वो 2,30,000 तो वो 15,000 के फील्ड में नहीं आएंगे, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें क्या कहेंगे, बेटा कोई बात नहीं इस बार आपका नहीं हुआ, अगली बार ट्राई करो पक्का कर जाओगे आप, ये देखो। बट एक कॉलेज के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको जीडी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको पीआई चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको जीके चाहिए, उसके बाद आपके जो रीजनिंग होती है वो चीजें चाहिए, जो आपका रिटर्न आएगा वो सारी, वो एक साल में आप कैसे कवर कर लोगे बच्चों। बिल्कुल, और यहाँ पर एक और बात भी पूछना चाहूंगी, बच्चों के छुपे हुए हुनर को तराशते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए आप एक सही गाइडेंस देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, दैट्स वन थिंग, लेकिन आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ होगा, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, और देन आपको विवेक कहाँ मिले, एंड देन आपकी फैमिली में कौन कौन है, ये सब कुछ बताएं हमें प्लीज। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरा जन्म अम्बाला में हुआ, हरियाणा में। ओके। बहुत ही अच्छी सिटी है आपकी, बहुत ही क्लीन सिटी है, आराम से लाइफ चल रही थी। आई नो। उसके बाद जब 10th कम्प्लीट हुई तो आई एम नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो कैरियर का इतना नहीं पता था। मेरी बड़ी सिस्टर है, ऑल्दो हरियाणा के टॉपर रही है, फादर थे मदर थे, बट वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि 10th के बाद आपको क्या चीज ऑप्ट करनी चाहिए। बेस्ट फ्रेंड ने ली साइंस, मैंने भी ले ली साइंस, ऑल्दो मेरे को एनडीए में जाना था। अच्छा। बट बेस्ट फ्रेंड जा रहा है, उस टाइम दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी कैरियर से ज्यादा, कि कैरियर क्या, कैरियर तो बन जाएगा, कुछ नहीं होगा, वी बिलोंग टू गुप्ता फैमिली, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन जब कोचिंग सेंटर वालों से पूछा कि अब नंबर तो बहुत अच्छे आ गए बट अब किसमें लें, बेटा आपके वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप खुद ढूंढ लो। अब अगर हमें इतनी नॉलेज होती तो ये तो हम 10th के बाद ही ढूंढ लेते, हम कोचिंग सेंटर के पास क्यों जाते। तो उसके बाद बीटेक ज्वाइन कर ली, बीटेक बेसिकली मेरी हरियाणा के अंत के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे मैं गया बीटेक के लिए, वहां पे मेरे को मेरा फ्रेंड मिला जो पार्टनर विवेक शर्मा, वो भी बीटेक करने आए थे, तो हम बातें करते थे, काफी अच्छे दोस्त बने हमने लाइफ के अंदर, हमारा सेम गोल था लोगों की हेल्प करना, तो उस चीज के अंदर हमने एक चीज देखी कि अब तक हमें कोई गाइड नहीं करता आया। अब करते करते बीटेक कंप्लीट हो गई, बीटेक के बाद मेरी प्लेसमेंट हुई, काफी अच्छी हुई, मेरे फ्रेंड की गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो गई। अच्छा। तो वो गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन कर लिया, बट सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि हमने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया, और प्लस हमने कुछ अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया, अब लास्ट डेस्टिनेशन क्या है। ये सारी चीजें फेस करते हुए हमें एक चीज समझ आई कि यार हमने तो जो लाइफ में स्ट्रगल कर लिया, जो चीजें कर ली तो कर ली, बट हम अपने जैसे भाइयों के लिए या जो हमारे जनरेशन आ रही है या जो लोग प्रॉपर गाइडेड नहीं है उनके लिए कुछ करें। उस एंथुसियास्टिक से हमने डीवी स्टार्ट किया। ओके। कि हम गाइड करेंगे। स्टार्टिंग में हम 2 लोग थे, हमने स्टार्ट किया, आपका स्टार्टिंग में हमारे साथ लोग नहीं जुड़े, काफी लोगों ने हमें अपोज भी किया कि यार ये क्या चीज करने जा रहे हो तुम, अभी तुम बच्चे बच्चे हो, यंग, तो 20-25 साल तुम्हारी उम्र है, 50-50 साल के पेरेंट्स तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, तुम्हारे पास क्या है। हमने कहा हमारे पास सिर्फ एक चीज है, जज्बा, जोश, हम उससे सबको जोड़ेंगे। उस टाइम से हमने स्टार्ट किया और आज की डेट में IITs, IIMs, बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़ते रहे और जुड़ जुड़ के आज एक डीवी इतना बड़ा ब्रांड बन गया इंडस्ट्री के अंदर कि आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे दिल्ली NCR या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कि किस कॉलेज में जाना है, आपको प्रॉपर गाइडेंस क्यों चाहिए, स्टूडेंट के मुंह से एक ही नाम निकलेगा, डीवी के पास जाएंगे तो हमें एक्चुअल गाइडेंस मिलेगी रेदर देन कि कोई हमें इधर उधर का रास्ता। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरे जुनून के साथ आप लोगों ने काम किया, लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ क्या टर्निंग पॉइंट रहा आपकी लाइफ का, मतलब कब आपको ऐसा लगा कि अब आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। बेसिकली मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 2008 के अंदर मेरे फादर एक्सपायर हो गए, उस टाइम मैं बीटेक के फर्स्ट ईयर में था, उस टाइम तक लाइफ बहुत नॉर्मल थी, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ चल रही थी कि जहां दोस्त जा रहे हैं जैसे लाइफ चल रही है, इजी गोइंग चल रही है। अब आया आपके पास चैलेंजेस कि आपको लाइफ के अंदर कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, फैमिली प्रेशर आपके ऊपर है, क्या चाहिए। उस टाइम पे एक समझ आया कि अगर मैंने 10th में एक सही डिसीजन लिया होता तो आज ऐसे मैं इतना कैपेबल होता, या 1-2 साल बाद मैं इतना कैपेबल होता कि मैं पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता था, बट मैंने एक दोस्तों के कहने पे वो डिसीजन ले लिया कि जिसकी वजह से अभी मेरे को 3 साल और लगेंगे बीटेक कंप्लीट करने में, और उसके बाद भी जॉब सिक्योर है कि नहीं है कुछ आइडिया नहीं। ऐसे मेरे पार्टनर के साथ हुआ, उनके फादर साहब 2012 में एक्सपायर हुए, तो वो हमारी लाइफ का था जब हमारे ऊपर प्रेशर आया, थोड़ा हम मैच्योर हुए रादर देन एक स्टूडेंट लाइफ है कि एक यंग जनरेशन की तरह सोचने, इसकी बच्चे की तरह कि हम एक सोचने लगे कि अब क्या करना है लाइफ के अंदर, तो वहां से वो टर्निंग पॉइंट रहा, वो करते करते फिर हमने इसका स्टार्टअप किया। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा।
इसकी हर बूंद में है एलोवेरा पल्प की सेहत और रसीले फ्रूट का स्वाद। व्हाट अ टू गुड मैच यार। मेहमान नवाजी का हुनर रखते हैं, सपने सच कर दिखाते हैं। जश्न हो कोई भी, जब बात हो जायके की, BTW हम हर वादा निभाते हैं। नई मैनिक 20 हर्बल क्रीम, इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाए कि यहाँ से जड़ से मिटाए। मैनिक 20 हर्बल क्रीम, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। बरसों के भरोसे की कहानी कुछ सेकंड्स में देखें। आइए एंडेवर मास्क की मदद से सही वजन पाकर दुबलेपन को हरा कर वाई नई पर्सनैलिटी, पाया नया कॉन्फिडेंस, सपनों को सच करने का, अरमानों को जीने का नया रास्ता। एंडोरा मास, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। जब आप किसी को एक ग्लास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट, तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोर्ब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोर्ब्स प्योर वाटर सॉल्यूशन। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में उससे जुड़े हुए लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और डिवी ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी आगे लेकर जाने में यहाँ के सीनियर काउंसलर अदिति विच शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। नमस्कार। तो अदिति, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं आपके यहाँ पर काउंसलिंग के लिए? अक्सर हम देखते हैं कि जैसे एक बच्चा आता है जिसके माँ बाप एजुकेटेड नहीं है, राइट, मतलब वो इनफैक्ट फ्यू केसेस में वो लिटरेट भी नहीं है, बट उनकी बैंक पावर है एंड दे वांट कि अपने बच्चे को वो एक अच्छी जगह पर भेजें या उसको अच्छे से पढ़ाई करवाएं या उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमने बच्चे देखे हैं कि कुछ अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में लैक करते हैं। सेकेंडली, कईयों के स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब जैसे मेरे पास एक बच्चा आया, उसने मुझे बताया कि मैम मुझे MBA करनी है। मैंने कहा ठीक है, फाइन, दैट्स गुड, आपको MBA करनी चाहिए, बट आपको किस चीज में? मैम मुझे एविएशन में करनी है। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें एविएशन MBA होती है, पहले तो ये किसने बताया है? बिल्कुल सही। और प्लस तुम्हें ये कैसे पता है कि उसके अंदर जो चीजें होंगी वो तुम्हें चाहिए? हु हैज टोल्ड यू? नहीं मैम, मेरे दोस्त ने कहा था तो मैंने सुन लिया। राइट नाउ, अब आपने देखा कि इसके अंदर कहां गैप आ रहा है, मतलब बच्चे ने एक चीज सुनी है और बच्चे को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। सो एनी वॉन्ट्स टू डू दैट, एनी वॉन्ट्स टू डू दैट, और उसको वो इतना डेस्परेटली चाहिए कि नहीं नहीं मुझे तो करनी है। हालांकि कि अवेलेबिलिटी ऑफ ये जो कोर्स है, ये बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है इस समय, बट यू नो द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन करना क्यों है और किस पर्टिकुलर रीजन से आपने इसको आगे करियर में लेकर जाना है वो आइडिया ही नहीं है। आप उसके अंदर बहुत अभी भी अपने बचपन में ही चल रहे हो, आपने पढ़ भी लिया है, आपने बीटेक भी यू नो कर लिया है, लेकिन आप अभी भी बिल्कुल क्लूलेस हो लाइफ में। थर्ड कैटेगरी मेरे पास बहुत सारे बच्चों की होती है कि वो पहले से ही यू नो ट्रेडिशनल कोर्सेज कर चुके होते हैं, तो मोर ओवर इसके अलावा भी, मतलब जैसे अब न्यू कोर्सेज, आपने जैसे वोकेशनल कोर्सेज अभी वर्ड बोला, वोकेशनल कोर्सेज,
वोकेशनल एंड ट्रेडिशनल एक्चुअली मींस ट्रेडिशनल जो हमेशा से चलता है, वोकेशनल मींस के जिसके अंदर कुछ हटके एंड वो आपके वोकेशन से जुड़ा हुआ है, आपकी कमाई से जुड़ा हुआ है, आपके कमाई का साधन डायरेक्ट बनता है वो. इसमें आपको कुछ पहले से ही सीखने की जरूरत नहीं है, अनिवार्य वो है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पैसा भी देता है. तो वोकेशन के अंदर अभी जैसे आप अभी देखोगे कि हमारे कोर्सेज जो इंडिया में अभी लॉन्च हो रहे हैं, दीज आर कोर्सेज लाइक माइक्रोबायोलॉजी, ओके, मरीन बायोलॉजी है आपके पास, यू हैव पायरोटेक्निक्स विच इज कमिंग, आपके पास एक यू नो डिजिटल मार्केटिंग, सैप, सिक्स सिग्मा, ईआरपी, ये इतने सारे कोर्सेज हैं. A lot of courses. नर्सिंग, हेयर कट, मेकअप आर्टिस्ट्री, कितना कुछ, कितने कोर्सेज हैं. ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन सबको जॉब्स मिल रही हैं. सो हमें वो जो फोकस है वो वहां से शिफ्ट करके थोड़ा सा इधर भी लेकर आए, जिससे बच्चा इंजॉय जो करता है, जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल कि बच्चे को शायद आर्टिस्ट्री और मेकअप आर्टिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन हम उससे 9 to 5 ऑफिस जॉब करवा रहे हैं. सो दैट इज नॉट सॉल्विंग द पर्पस. अच्छा, टेक्निक्स क्या रहती है आपकी बच्चों की गाइडेंस की, काउंसलिंग की? वेल दैट्स इंटरेस्टिंग, आई विल रियली पुट लाइट ऑन दिस वन. हमारे जो आई मीन द को पार्टनर, ओके, ही हैज डिवाइस्ड मेनी वेज. अच्छा, वेरी नाइस. बीटेक होने का बहुत फायदा होता है, यू नो. चलिए, कहीं तो फायदा है ना बीटेक करने का. उनके चार्ट्स जो है हमारे साथ रहते हैं, तो हम हर कॉलेज का ना हमने सेगमेंटेशन बनाया हुआ है कि आपको किसी भी कॉलेज को ढूंढना है कि कॉलेज अच्छा है या कोर्स मेरे अच्छा है कि नहीं. जैसे स्वॉट एनालिसिस लोग करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, राइट, उसी तरीके का एक एनालिसिस हमने इन्वेंट किया है हमारे कंपनी, हमारे यू नो शर्मा जी ने इन्वेंट किया है. उससे पहले मैं आपको एक रेशियो बताऊंगी. मैं अपनी कंपनी का बताती हूँ रेशियो, आई डू नॉट नो कि ये बाकी कंपनीज में कैसा रहता है. अगर हमारे पास ओवर 2000 बच्चा आता है, हमारे लाइक 2 to 3 ब्रांचेस का अगर मैं सर्वे बताऊं, अगर हमारे पास 2 to 2,500 बच्चा आता है, तो उसमें से आप ये समझ लीजिए कि पेरेंट्स जिन बच्चों के साथ आएंगे वो लगभग उसका रेशियो आई थिंक ओनली 50, इससे ज्यादा नहीं होगा. क्योंकि एक रीजन बहुत, आप थोड़ा सा स्टडी करो हमारे जो सेगमेंट चल रहा है अभी सोसाइटी में, माँ बाप जॉब्स पे हैं बिल्कुल, या माँ बाप बिजनेस में हैं, या माँ बाप किसी और चीज में इन्वॉल्व हैं. मदर एक एंटरप्रेन्योरियल मदर है, मदर अपना कुछ और कर रही है, तो बच्चों के पास इंटेलिजेंट पेरेंट्स होने के बावजूद इंटेलिजेंट गाइडेंस नहीं है. सो ये जो यूथ का जो टैलेंट वेस्ट ना हो, इसके लिए हमने आई थिंक हमने जब व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद अ फर्म, तो हम लोगों ने उसी साल में हमने पेरेंट्स काउंसलिंग इंट्रोड्यूस कर दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड पेरेंट्स काउंसलिंग के अंदर हम चाहे माँ बाप, माता पिता, बच्चे के गार्जियन, वो अगर लिटरेट हो या ना हो जी, हम फिर भी उनको सारा कुछ बताते हैं कि देखिए हमने आपके बच्चे को ऐसे स्कैन किया है, आपका बच्चा इस चीज में इंटरेस्टेड है, आप अपने बच्चे को ये करवाना चाहते हो, आपका बच्चा ये करना चाहता है और हम ये गाइड करते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीजें स्केल के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं, तो बच्चा खुद मीट करता है कि हाँ ये चीजें मेरे को मिल रही है, ये चीज यहाँ मिल रही है, ये चीज यहाँ नहीं मिल रही, नो यहाँ नहीं, अच्छा, यहाँ मिल रही है, तो वो अपने आप जीरो इन हो जाता है उस चीज पे. दीज आर द टेक्निक्स हमने बच्चों के लिए डिवाइस की हुई है. अगर मैं ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा वोकेशनल कोर्सेज की बात करती हूँ, तो बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्सेज का क्या फ्यूचर है? सी, फ्यूचर डेफिनेटली है, आई मीन इनफैक्ट फ्यूचर एडवेंट कर चुका है, इट इज देयर ऑलरेडी. अब आप जैसे बाकी कंट्रीज में, जैसे मैंने बताया आपको अभी जैसे नर्सिंग के बारे में, इंडिया में नर्सिंग स्टिल बहुत प्रोलिफिक है, अभी चल रही है नर्सिंग इंडिया में. हेयर स्टाइलिंग, बार्बर कोर्सेज, मेकअप आर्टिस्ट, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, यू नो डिजिटल मार्केटिंग. अब आई जस्ट ब्रिंग यू टू अ सिनेरियो के ऐसा इमेजिन करो, जैसे हम लोग सोचते हैं कि यू नो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो वो पानी पर होगा, क्योंकि पानी की कमी बहुत ज्यादा है, राइट. बट आई जस्ट गिव यू दैट वन पॉइंट नॉच अभी, कि जिस इंसान को डेटा मैनेजमेंट आता है, आई एम श्योर ही लग रही, जिस इंसान को डेटा मैनेजमेंट आता है और जो डेटा संभाल सकता है, ही इज गोइंग टू बी अ विक्टर. वो इंसान दुनिया पे राज कर सकता है, और जितना जिसके पास इंफॉर्मेशन और डेटा आता जाएगा वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा. उसके पास हर तरीके की इंफॉर्मेशन हर एक बंदे के बारे में होगी, जैसे आज की डेट में गूगल बहुत पावरफुल है. जिस इंसान के पास डेटा गैदर होता रहेगा वो डेटा में एडवांस होता रहेगा. नाउ हैविंग सेड दैट, अब जैसे आप हमारी कंपनी देख लीजिए, हमारी कंपनी ओवर यू नो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशन फैली हुई है, जिसके अंदर हमारे ऑलरेडी
8 to 9 offices and 3 offices are in the pipeline aur hamare next 3 years mein over 20 offices jo hain wo kahin na kahin open up ho jayenge. Ameer Hota Bharat, ye hai hamara nara. जब दिल चाहे कुछ अपना सा स्वाद आएगा तो दिल की मानो एंजॉय में गानो टेस्टी ट्रिप टू इंडिया विकानो 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 गुडनेस ऑफ इंडियन टेस्ट. बरसों के भरोसे की कहानी कुछ सेकंड्स में देखें. आइए अंगोरा मास्क की मदद से सही वजन पाकर दुबलेपन को हरा कर वाई नई पोस्टैलिटी पाया कॉन्फिडेंस सपनों को सच करने का अरमानों को जीने का नया रास्ता. अंगोरा मास्क बरसों से बेहतरीन बरसों से भरोसेमंद वेट के मेहमान नवाजी का हुनर रखते हैं. सपने सच कर दिखाते हैं. जश्न हो कोई भी जब बात हो जायके की BTW हम हर वादा निभाते हैं. से जड़ से मिटाए मैनिक 20 हर्बल क्रीम 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास. जब आप किसी को एक ग्लास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट. तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर. घर लाइए यूरोफोर्ब्स वाटर प्यूरिफायर्स. यूरोफोर्ब्स प्योर वाटर सॉल्यूशन. एलोवेरा पल्प की सेहत और रसीले फ्रूट का स्वाद. व्हाट अ टू गुड मैच यार. अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा. ब्रेक के बाद अमीर होता भारत में आप सभी का स्वागत. तो आज हम डिवी ग्रुप ऑफ कंपनीज की दो खास शख्सियतों के साथ है अपने शो पर. आइए उनसे आगे चर्चा करते हैं. दीपांशु जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इतने कम वक्त में, महज 5 साल में आपने इतने सारे ऑफिसेज अलग अलग जगह पे खोले हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग. तो आप अपनी सफलता का, कामयाबी का श्रेय एक्चुअली किसे देते हैं? मैम, हमारी कामयाबी का यही है जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं. सबसे पहले मैं, मेरे पार्टनर जो हैं, हमारी फैमिली जिन्होंने हमें सपोर्ट किया थ्रू आउट. उसके बाद जो मेन श्रेय है हमारा, वो श्रेय हमारे काउंसलर्स को, जैसे हमारे सीनियर काउंसलर अदिति भी आप. अच्छा, मिले हैं इनसे. ऐसे ऐसे हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं जिन्होंने डीवी को आज बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, वो हम दो नहीं है. हमारी सोच थी, हमारी विजन थी, क्योंकि हम कर रहे हैं काम, बट हम दो लोग हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर कोने में नहीं जा सकते. दो लोग हैं, कितना जाएंगे. बट जो हमारे साथ 200 लोग जुड़े हैं वो वहां पे गए हैं. तो वो श्रेय हम सिर्फ हमारे साथ जो कनेक्टेड लोग हैं और जिन्होंने इतनी उससे मेहनत से, अपना बिना किसी लालच के, वो एफर्ट्स डाले हैं, वो चीज डाले. हमारे पास कहने के लिए स्टार्टिंग में
जब हमने खोलना स्टार्ट किया था बहुत अच्छा लगता था, आज भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट धीरे धीरे ये चीज आपकी नॉर्मल होती जा रही है जी, जी. कुछ ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया. अभी तो हमने बहुत ज्यादा अचीव करना है. हमारा पैन इंडिया विजन बहुत बड़ा है अभी आपका. हर एक बच्चे को हम चाहते हैं, छोटे से लेके बड़े बच्चे तक, आपकी हर एक तक वो काउंसलिंग पहुंचे. तो वो ड्रीम है. तो जैसे जैसे हम करते रहते हैं, दो बच्चे पांच बच्चे, हमें एक खुशी मिलती रहती है कि हमने किसी को अच्छा गाइड किया. काफी लोग काउंसिल करते हैं जैसे हम जानते हैं, यू नो हमारे सिनेरियो में बहुत लोग हैं जो कि बहुत अच्छे काउंसलर्स हैं. इनफैक्ट हम लोग उनकी खुद कई बार यू नो वी ट्राई टू लिसन टू देम. बट जिस तरीके से हम टेक्निक्स डिवाइस करते हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई नहीं करता. अच्छा. और मुझे इस चीज का थोड़ा सा प्राइड भी है अपने अंदर के सिर्फ हमारी फर्म करती है. क्योंकि जब हम कोई भी जब बैठता है तो हमारे पास एक एजेंडा होता जरूर है कि वाई नॉट कुछ ऐसा नया कर लेते हैं यार. मतलब कैसे समझाएं बच्चा ऐसा कुछ क्रिएटिव करते हैं. हाँ कुछ क्रिएटिव करते हैं क्या. अभी जैसे रिसेंटली हम लोग ने, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम कैसे वो चार्ट बनाकर बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं. नोबडी इज डूइंग दैट. आज हमारी टीम, हमारी डीवी टीम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द एंटायर दिल्ली एंड एनसीआर. एंड इट इज विथ फैक्ट्स, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा हमें टच करता है दैन एनी अदर काउंसलर. एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दे बोथ टच अस दैन एनी अदर काउंसलर. तो दिल्ली एनसीआर में मैं कॉन्फिडेंट हूं दैट हम लोग बेस्ट हैं. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. एंड बाकी जगहों पे आई एम श्योर वी आर गोइंग टू इन द कमिंग. एक बहुत ही अच्छी शुरुआत आपने जो की है डिवी ग्रुप ऑफ कंपनीज की. अभी तो आप यहाँ पे खुद को स्टैंड करता हुआ देखते हैं इन पांच सालों में. अगले पांच सालों की अगर मैं बात करती हूँ या फिर मैं फ्यूचर मिशन की बात करती हूँ, क्या रहेगा डिवी ग्रुप ऑफ कंपनीज का. जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी एक विजन के साथ स्टार्ट हुई थी कि हर एक बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए. वो प्रॉपर गाइडेंस कैसे मिलती है, लाइक एक बच्चा यूपी के अंदर कानपुर के पास एक छोटी सी जगह है उन्नाव, वहां से बिलोंग करता है, आप उस तक कैसे पहुंचोगे. आप उस तक फोन नहीं है, वहां पे फोन फैसिलिटीज नहीं है, आप दिल्ली से ट्रेवल करके नहीं जा सकते. तो हमारी जो विजन है, हमारी विजन है कि अगले पांच साल के अंदर हर एक स्टेट की, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डीवी का ऑफिस हो, जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट काउंसलर्स बैठे हों, ताकि उस एरिया का लोकल बच्चा चल के आपके पास आए या बच्चे के पास काउंसलर्स है, ताकि हर एक बच्चे को वो इन्फॉर्मेशन मिले. और उसके लिए हम डे बाय डे बढ़ रहे हैं. पिछले पांच साल में हमने इतने ऑफिसेस खोल दिए जितने लोगों के पचास साल में नहीं होते. बट द थिंग इज अगले पांच साल में क्या, अगले पांच साल में हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीवी का ऑफिस जो बच्चों को एक काउंसलिंग देगा. तो आप दोनों जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो जिंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपका. सी एक्चुअली आई वुड जस्ट से फ्यू थिंग्स. वन, अनसक्सेसफुल पर्सन और एक सक्सेसफुल आदमी में एक ही फर्क होता है, आइडियाज सबके पास होते हैं, सक्सेसफुल आदमी सिर्फ उनको कर लेता है. एंड इन द एंड आई वुड जस्ट से स्टे फोकस्ड ऑन द थ्री डीज, दैट इज डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन. अगर ये तीनों चीजें हैं, यू आर बैंग ऑन. जैसे मैम ने कहा, लाइफ में मौका सबको मिलता है, बट उस मौके को कौन इस्तेमाल कर सकता है. स्टे पॉजिटिव, गिरता हर कोई है, बट मंजिल तक कौन पहुंचता है, जो गिर के उठ के चल पड़े. तो लाइफ में नेगेटिविटी कभी मत आन दो, आप कर लोगे, ये विश्वास आपको खुद होना चाहिए रेदर देन अदर्स. अगर आप में ये विश्वास है, ये हिम्मत है, ये पॉजिटिविटी है, तो आप पक्का अचीव करेंगे. और इसके लिए आपका डीवी ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके साथ ही है. आप आइए, हमारे काउंसलिंग सेशंस अटेंड करिए और अपनी एक राह पे चलिए. जुनून हम देंगे, हिम्मत आपकी होगी, पॉजिटिविटी हम देंगे और आप कुछ ना कुछ बनेंगे. ओ नव भारत का श्रृंगार करे हम, टूटे हुए सपनों को साकार करे हम. यह भारत जो कहलाता था सोने की चिड़िया, फिर सोने की चिड़िया बन उड़ान भरे हम. अगले हफ्ते एक बार फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और खास शख्सियत से. आप देखते रहिए अमीर होता भारत. करते हैं हम इशारा, ये सूरज चंदा करते हैं हम इशारा. अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा. अमीर होता ये भारत.